फिनलैंड को रूसी धमकी और नाटो की आशंकाओं के बीच अमेरिका से बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन में अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन सिर्फ धमकी दे रहे हैं, रूस फिनलैंड पर हमला करने की हालत में नहीं है और इसकी वजह है यूक्रेन युद्ध में रूस को हुआ बड़ा नुकसान। जब फिनलैंड पर रूस के प्रचंड प्रहार की आशंका आकार ले रही है, जब स्वीडन पर बारूदी बौछार का डर फैल रहा है, जब यूक्रेन के बाद रूस के फिनलैंड स्वीडन पर हमले की भविष्यवाणी की जा रही है, तब यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। अमेरिकी राजदूत क्रिस्टीना केविन ने कहा है कि रूस कुछ नहीं कर पाएगा, पुतिन सिर्फ कोरी धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ अपने संघर्ष में रूसी सेना पहले ही कमजोर हो चुकी है। रूस की सेना अब भी पूरी तरह से यूक्रेन जीतने पर फोकस कर रही है। रूसी राष्ट्रपति की खासियत है कि वो पड़ोसी देशों को अपनी इच्छा के आगे झुकने के लिए धमकियां देते रहते हैं। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने से पुतिन नहीं रोक पाएंगे। अमेरिकी राजदूत ने ये बातें तब कही हैं जबकि यूक्रेन में उनकी आंखों के सामने रूसी सैनिकों ने तबाही मचाई है। प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रोश की अग्निज्वाला में यूक्रेन 82 दिनों से चल रहा है। इसी नाटो वाली हसरत पर यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो गया है। फिर भी अमेरिकी राजदूत को लगता है कि फिनलैंड और स्वीडन को पुतिन सिर्फ कोरी धमकियां दे रहे हैं। आपको बता दें कि दो रोज पहले ही पुतिन ने फिनलैंड को चेतावनी दी थी, नाटो में शामिल होने को लेकर धमकाया था। ब्रिटिश मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस अपने एटमी हथियारों को बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी में। जाहिर है इसके बावजूद अगर अमेरिका ऐसा सोच रहा है तो यकीन मानिए पुतिन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अमेरिकी राजदूत का आकलन उन्हें गलत साबित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अरे सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।